हरियाणा में प्राइवेट स्कूल 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं, और क्वालिटी एजुकेशन सरकार का तो नारा है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, इस नारे को सही मायने में सार्थक ये हरियाणा के प्राइवेट स्कूल करते हैं। और 60% बच्चा, सरकार का भी कल परसों आंकड़ा आया है कि 60% बच्चा हरियाणा का प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करता है और बिना किसी सरकारी सहायता के। तो सरकार बीच बीच में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो भी काम करती है, अधिकारी जो भी काम करते हैं, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक फरमान, तुगल की फरमान जारी किया कि 10 साल के बाद स्कूल को रिव्यू करवाना पड़ेगा, उसकी मान्यता रिव्यू करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो तुगल की फरमान है, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उसका कड़ा विरोध करती है। और हम कोई गलत काम नहीं करते, प्राइवेट स्कूल हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल का बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, इस प्रकार की चिंता प्राइवेट स्कूल हरियाणा में करते हैं। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि इन स्कूलों को आप किसी प्रकार की सहायता तो देते नहीं हैं, इनको परेशान भी किसी रूप में आप ना करें, ताकि ये जो जिम्मेवारी इनके कंधों के ऊपर है, पेरेंट्स ने, अभिभावक ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, उसको पूरी तरह से, पूरी निष्ठा और लगन से पूरा कर सकें। साथियों, आज हमारी जो पानीपत की पिछली टीम है उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज हम यहाँ नई कार्यकारिणी की साथियों से डिस्कस करके, पानीपत के हमारे साथी आए हैं, इन सबसे सीनियर साथी हैं, इन सबसे चर्चा करके पिछली कार्यकारिणी को आज हम भंग करते हैं और आगे की जो हमारी आज नई टीम बनेगी उसकी भी घोषणा प्रेस नोट के माध्यम से अभी साथियों से चर्चा करके और वो हम करेंगे। समस्याएं किस तरह की आ रही है आप लोगों? समस्या एक तो 134 ए का हमारा 68 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों में, सरकार का जो नियम था 134 ए, वो नियम सरकार ने ख़त्म कर दिया, पर पिछला 7 सालों का 8 सालों का 68-70 करोड़ रुपया सरकार में अभी हमारा आठवीं तक का, पहली से आठवीं तक का 68 या 70 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग है। वो पैसा सरकार अगर दे दे तो ये पैसा स्कूल संचालक अपनी जेब में नहीं डालते, वो बच्चों के विकास में, स्कूल में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुविधाएँ हम दे पाएँ, उसी काम में ये पैसा लगना है। तो एक तो 134 ए का पैसा, दूसरा मैंने आपको बताया कि रिव्यू 10 साल बाद मान्यता रिव्यू करवानी पड़ेगी, वो बिल्कुल गलत है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जब सरकार स्कूल को मान्यता देती है, एक कमेटी 5 सदस्यों की होती है, डीसी, एडीसी सब उसमें होते हैं, तो सारी जितनी भी इनकी जो कंडीशन है उन कंडीशन को पूरा करके मान्यता देते हैं। तो बार बार ये इस प्रकार के काम करके, ये तो इसको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। तो इस जो ये आदेश है इसको सरकार वापिस ले। कहीं आप डेलीगेशन आपका कोई शिक्षा मंत्री से या सरकार तक? हमारी शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात भी हुई है और उन्होंने कहा है इस पर हम विचार कर रहे हैं और इसका कोई ना कोई समाधान सरकार खोजेगी, ऐसा हमारा मानना है। एक हमारी जो एसोसिएशन है वो हरियाणा में न सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बल्कि सामाजिक काम भी करती रहती है। अभी हम अपने जो टीचर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हर साल टीचर सम्मान समारोह, काम तो ये सरकार का, सरकार हमने शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से इस ये विषय रखा था कि आप शिक्षक दिवस पर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों को सम्मानित करते हैं, उसमें आप हमारे अध्यापकों को भी शामिल करें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, ताकि हमारा अध्यापक भी मोटिवेट हो और हमारा स्कूल संचालक भी मोटिवेट हो, ताकि और लगन और निष्ठा से काम करे। हमारा लगभग 70% बच्चा हरियाणा का प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन लेने का काम कर रहा है। अब आज के वर्तमान में अगर हरियाणा में जाएं, हमारी मूल आवश्यकताएं थोड़ी बदल गई है। आज मूल आवश्यकता है हमारी क्वालिटी एजुकेशन, आज मूल आवश्यकता है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, आज मूल आवश्यकता है 24 घंटे बिजली, आज मूल आवश्यकता है स्वच्छ पानी, परंतु पानी होगा स्वच्छ नहीं है, बिजली होगी 24 घंटे नहीं है, शिक्षा है क्वालिटी नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर्स नहीं हैं। तो आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज जो डिमांड है वो क्वालिटी की है, चाहे एजुकेशन में हो चाहे हेल्थ की हमारी सेवाएं की हो, और पेरेंट्स हमारा बहुत संतुष्ट है, टीचर हमारा बाय चांस नहीं है, बाय च्वाइस है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपनी च्वाइस का काम करेंगे तो वहाँ रिजल्ट आएंगे। सरकार के पास बहुत से टीचर बाय चांस हैं, एक लड़का है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है,
यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, टीचर लग गया वो संतुष्ट नहीं है, सैलरी 1 लाख लेके भी वो आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्राइवेट स्कूल जो है वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, परंतु सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि हरियाणा के युवा के क्वालिटी एजुकेशन और वो डिमांड करें रोजगार की। कारण क्या है, मैं कहता हूँ सरकार, स्पष्ट करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ सरकार क्यों नहीं चाहती। सरकार हमारे बच्चे को यात्री पैसेंजर बोलती है, हम बोलते हैं विद्यार्थी है। हमारी बसों पे पैसेंजर टैक्स लगाया, आपका बच्चे को यात्री टैक्स देना पड़ रहा है, तो सरकार की नीयत नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों कहती है हम मुफ्त में ज़मीन कराएंगे उपलब्ध, आइए बिजनेस करिए, हमारे लोगों को रोज़गार दीजिए, कम रेट पे ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, NOC में सुविधा देंगे, परंतु हरियाणा का युवा, हम नौजवान युवाओं ने अपना रोज़गार तो स्थापित किया है, बहुत से लोगों को हमने रोज़गार भी दे रखा है, उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन होगी, एजुकेटेड बच्चे होंगे, प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों से डरती है, रोज़गार मांगेंगे। इसलिए हम प्राइवेट स्कूल जो है अपना रोज़गार के साथ साथ युवाओं का रोज़गार भी देने का काम कर रहे हैं और उत्तम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं।